हाँ जी बोलो, यस और नो। सर बॉडी के मोशन के बारे में ऐसे कुछ होता बॉडी के मोशन के बारे में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स मेनली हम क्या बायोमैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, दैट इज मोस्टली यूज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बायोमैकेनिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ऑन द लिविंग बॉडी। ठीक है, जो फोर्सेस हमारी मूवमेंट पे एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, अप्लाई करती है, उसको हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, फोर्सेस का क्या रोल है आपकी मूवमेंट पे, आपने अपनी जो मूवमेंट है उसको कैसे करना है बेटर कंडीशन में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने कोई भी टेक्निक करनी है, उसका एंगल ऑफ रिलीज क्या होना चाहिए, ठीक है, आपने कोई भी फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना है, तो आपको विच जब सिंपल है, अगर बायोमैकेनिक्स का आप स्पोर्ट्स टीचर को, कोचिज को नहीं पता होगा, तो वो बेटर रिजल्ट नहीं दे सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, क्वालिफाइड कोचिज, एंड एक आपका कोच हो गया जो आपने एक्सपीरियंस से कोचिंग दे रहा है, एक होते हैं आपके क्वालिफाइड कोचेस, दोज हु आर क्वालिफाइड इन पर्टिकुलर गेम्स, मास्टर ऑन दैट पर्टिकुलर गेम। तो वो आपको टेक्निकली, स्ट्रेटेजिकली, ट्रेनिंग वाइज आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। आपको पता है ना, जो क्वालिफाइड होगा मींस कि उसने क्या किया है, उसने डिग्री ली है वहां से, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से, उसको पता है कि हमने ट्रेनिंग करानी है, कैसे करानी है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो सिंपल है, बायोमैकेनिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द रोल ऑफ फोर्सेस ऑन आर मूवमेंट्स। जब भी हम कोई मूवमेंट गेम में करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज हम करते हैं, तो वहां पे फोर्सेस का क्या रोल होता है हमारा। अब जैसे आपको पता होगा, 100 मीटर में यू हैव सीन द ऑल द एथलीट, दे आर रनिंग दिस स्लांटिंग वेज में रनिंग करते हैं फॉर फ्यू मीटर्स। क्यों करते हैं, व्हाई? हाँ जी ध्रुव, ऑन करके चले गए हो, आर यू लिसनिंग? यस सर 100 मीटर में आपने देखा होगा, जितने भी स्प्रिंटर हैं, वो जब स्टार्ट होता है, ऑन योर मार्क गेट सेट रेडी स्टार्ट, देयर फायर होती है वहां पे गन पॉइंट पे, तो वो जो रनिंग करते हैं वो ऐसे स्लांटिंग पोजीशन पे रनिंग करते हैं, पहले सीधा ऐसे अपराइट पोजीशन पे रनिंग नहीं करते हैं। वाई? स्पीड बढ़ाने के लिए सर स्पीड बढ़ाने के लिए। हाँ सर वेट आगे करेंगे तो थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे जी, पता नहीं सर मुझे ऐसे होता है तो ये सारी फोर्सेस उसमें अप्लाई होती हैं बेटा। जब भी आप रनिंग करोगे, अगर आप सीधे बैठ के एकदम अपराइट पोजीशन पे आओगे, तो एयर रेजिस्टेंस आपको अपनी स्पीड मैक्सिमम लेने में क्या करेगा, एयर की जो प्रेशर पड़ेगा, तो आप जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है, जो आप मिनिमम टाइम में लोगे, उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए वो स्लांटिंग, एरोडायनामिक थ्योरी पढ़ी है आपने, स्ट्रीमलाइन थ्योरी साइंस में, जितने भी आपके एरोप्लेन हैं, आपकी ट्रेन्स हैं, ठीक है, वो आगे से शार्प एज की होती है, सो दैट कि एयर की रेजिस्टेंस उसमें कम हो। अगर वो सीधा अपराइट पोजीशन में रनिंग करेगा, तो एयर की रेजिस्टेंस करके वो मैक्सिमम स्पीड को गेन करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। दिस इज द लॉ ऑफ बायोमैकेनिक्स, साइंस से रिलेटेड ये चीज है। इसीलिए वो स्ट्रीमलाइन पोजिशन में भागते हैं, जब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेते हैं, देन दे विल बी इन अ अपराइट पोजीशन, स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ये फोर्सेस का क्या रोल है, ये सारी चीजें हमारे को इसमें बायोमैकेनिक्स में ही बताते हैं, हम उसमें स्टडी करते हैं, एंगल ऑफ रिलीज, प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री आपकी कैसी होनी चाहिए। अब आपने देखा है, हम शॉर्ट पुट पे बोलते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ थ्रो, जेवलिन थ्रो का एंगल क्या होगा, थ्रो एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव, ट्रेजेक्ट्री, पाथ, पैराबोला कैसा होना चाहिए, ये सारी आपको बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो बायोमैकेनिक इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, आपका बायो एंड मैकेनिक्स, जो फोर्स से रिलेटेड है, लिविंग बॉडीज पे उसका क्या असर पड़ता है, डायनामिक सिचुएशन में, ठीक
आपका क्या उसका रोल पड़ता है, ठीक है, क्या उसके इफेक्ट्स पड़ते हैं, और इसका आपके गेम्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, ठीक है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, सबसे पहले आपको मेन चीज क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज। अगर आपको बायोमैकेनिक्स का पता होगा, आपको पता है मूवमेंट कैसे करनी है, ठीक है, आपने अगर आपने स्टडी की है, आप क्वालिफाइड कोच हो, आपको नॉलेज है, टीचर एज ए कोच एज ए प्लेयर, अगर आपको नॉलेज है कि आपने अपनी मूवमेंट्स को कैसे सेफ करना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेस एफर्ट्स मैक्सिमम आपने इफेक्ट्स लेना है, ठीक है, ये नहीं कि आपने जोर इतना लगा दिए और आपकी आउटपुट जीरो हो, ठीक है, तो जितने भी हम जिसको हम टेक्निकल, अच्छा आप मुझको एक चीज बताओ, अभी आपने जितने भी कोचेस देखे हैं इंडियन मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं या अच्छे या जिनपे इंडिया को ये था कि ओलंपिक में मेडल आएंगे, दे ऑल आर फ्रॉम विच कंट्री, देखिए ना ओलंपिक, यस सर, आपने देखा हो मैक्सिमम जो कोचेज हैं वो फॉरेन फॉरेन से आपके हैं रिलेटेड, जेवलिन थ्रो वाले का कोच देख लो, ही इज फ्रॉम बेल्जियम, यस सर, ठीक है ना, और वो 100 का क्रॉस किया है उसने थ्रो, उसका सर उसका रिकॉर्ड है, हाँ 100 का रिकॉर्ड है, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है आपके तो घर पे भी आपके, ठीक है ना, पता है आपको पापा खेले हैं एशियन लेवल से, उनको आप ये देखो जो कोचेस जो फॉरेन के होते हैं वो दे आर स्टडिंग माइन्यूटली ईच एंड एवरीथिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन बायोमैकेनिक्स, ठीक है, ये किन्जियोलॉजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वो सारी स्टडी करते हैं, वो एक एक छोटी छोटी चीज पे वो इतना रिसर्च करते हैं, आपने कैसे अपनी किसी भी एथलीट की इम्प्रूवमेंट करनी है, आपने उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, आप रशिया का उनके जो रेसलिंग के कोच है वो देख लो, सारे फॉरेनर है, आपका पीवी सिंधु का जो कोच है ही इज आल्सो कोरियन, ये सारे मैक्सिमम कोचेज जिनसे आपको पता है आपका ये बच्चा रिजल्ट लेके आ गया वो सारे फॉरेन के होते हैं, आपके हॉकी के कोच देख लो, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज यहाँ पे क्या है उस लेवल की आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास नहीं है, कोचेज हम बना देते हैं सही से, उसके बाद क्या होता है आगे उनको कोई नॉलेज नहीं, कोई अपडेट नहीं होता है, उन कोचेज को फॉरेन में क्या होता है जो कोचेज होते हैं क्वालिफाइड कोचेज बन के आते हैं, चीफ कोचेज होते हैं, उनके अंडर जो न्यू, ठीक है, जो कोच कोचिंग का कोर्स लेके आ रहा है जो क्वालिफाइड है उसको वहां पे वो 2-4-5 साल वहां पे उसको वर्क कराते हैं, उससे नॉलेज लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, उसके बाद उनको डिफरेंट सेंटर्स पे भेज देते हैं, ठीक है, तो वो एक उनका प्रोसीजर है, उनका आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा होता है, आप उनके स्टेडियम देखो, आप उनका इंडोर कोई भी चीज देख लो, आप उसको देख के बच्चा वैसे ही क्या होगा मोटिवेट हो जाता है, वो उसको परफॉर्मेंस तो उसकी नेचुरली आएगी जब आपको इतना अच्छा वहां पे एटमॉस्फेयर मिलता है, तो ये चीजों की नॉलेज बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स में, बायोमैकेनिक्स की, देन नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्किल्स टेक्निक्स, बायोमैकेनिक्स से हमको क्या पता लगता है कि ये स्किल्स ज्यादा इफेक्टिव है, ये टेक्निक करोगे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, आपकी बॉडी की एनर्जी भी कम यूज होगी, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ गोइंग 40 यार्ड्स अगर आप 25 यार्ड से वही चीज जनरेट कर सकते हो, वही पेस वही स्पीड, तो व्हाई यू आर गोइंग फॉर 40 यार्ड्स, इट्स ओनली वेस्टिंग ऑफ योर एनर्जी, ठीक है, तो उन्होंने आगे हमारे क्या होता था, देयर इज डिफरेंट क्राइटेरिया होता था कि हम क्या बोलते थे, हाँ जी आपने सुबह भागना एक घंटा डेढ़ घंटा, या हमने क्रिकेट में बहुत एक होता था कि जो फास्ट बॉलर है उसको हमने 10-12 स्पेल बॉलिंग के करवा देने, तो वो क्या होता था आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years के बाद इंजरीज, जितने फास्ट बॉलर है वो सब इंजर्ड हो जाते थे, अब उन्होंने न्यू टेक्निक शुरू कर दी है, क्या करते हैं वो छोटे स्पेल शॉर्ट 4-5, अगर विकेट ले रहा है अच्छी बॉलिंग कर रहा है हेल्प कर रही है विकेट तो उनको 1-2 ओवर और दे देंगे, बट दे आर नॉट गोइंग फॉर दैट अ लॉन्ग स्पेल, अब वो काम नहीं है, टेक्निक नहीं है कि आपको लंबे लंबे स्पेल में बॉलिंग करवा रहे हैं हम, दे सेव द एनर्जी इंजरीज को बचाने के लिए, प्लेयर्स को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको खिलाना है हमने अच्छे प्लेयर को, तो हमको उसके एक एक छोटे छोटे स्टेप पे क्लोजली वी हैव टू आई ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज, तो ये आपको बताती है कि स्किल आपने कैसे करना है क्या यूज करना है, देन इट
विल बी हेल्पफुल इन योर परफॉर्मेंस, जो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करती है। अभी आपने लेटेस्ट देखा, आगे हमने जेवलियन थ्रो में, कभी कभी आपने देखा कि वो जेवलियन थ्रो के ऐसे आगे डाइव मारते थे? नेवर। आगे जेवलियन थ्रो करते थे स्टैंडिंग पोजीशन पे, अब क्या करते हैं, वो आगे अपनी बॉडी को फॉल कर देते हैं फॉरवर्ड, ताकि पूरी एनर्जी आपकी जेवलियन के पीछे लगे। ये लेटेस्ट टेक्निक हो गई है, ठीक है? तो ये ऐसे आपको पता लगता है कि हमने मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैसे यूज करनी है। देन इट विल बी हेल्पफुल इन मॉडिफाइंग योर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आप देखते हैं डे बाय डे आपके इक्विपमेंट में चेंजेस होती रहती है, ठीक है? हर इक्विपमेंट में आपको कोई ना कोई चेंजेस मिलती रहती है, उसको और एडवांस करते रहते हैं वो, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अगर आपको इक्विपमेंट का आपके अच्छे नहीं होंगे तो व्हाट हैपन, आपका वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी जो आपकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। इक्विपमेंट इक्विपमेंट का, स्पोर्ट्स गियर का बहुत ज्यादा रोल होता है आपकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस पे। देन नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोचिज टीचर्स, इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ बायो मैकेनिक्स, ठीक है, यू विल बी गिव अ बेटर कोचिंग एंड योर ट्रेनिंग विल बी गिव गुड रिजल्ट। बट इफ यू हैव अ नॉलेज, इसीलिए आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट मूवमेंट, अगर आपको बायो मैकेनिक्स की नॉलेज होगी तो आपको बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट का भी आपको पता होगा, ठीक है? अगर आपने किसी बॉल को रिलीज करना है तो किस एंगल से करना है, आपने कोई कैच करना है बॉल को, उसकी टेक्निक क्या होती है, ठीक है? ये सारी चीजें आपको फोर्स है, अगर आपने बॉल को पकड़ना है, कोई भी गेम आप ले लो, ड्रिबल करनी है, बॉल को किक करना है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। देन मॉडिफिकेशन इन ट्रेनिंग, अपनी जो ट्रेनिंग होती है, जब हम ट्रेनिंग बच्चों को करवाते हैं उसमें बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेनिंग, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ट्रेनिंग, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। वो आप तभी करा सकते हो कोई भी ट्रेनिंग, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, ठीक है, आपको पता होगा। देन इट विल हेल्पफुल इन इवेल्युएट, इवेल्युएशन करने के लिए हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, एथलीट को, प्लेयर को, कि उसकी परफॉर्मेंस वेदर इट इज गोइंग अप टू द मार्क और नॉट। देन इट इज वेरी हेल्पफुल इन रिसर्च वर्क, जो हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट थीसिस लिखते हैं किसी मूवमेंट के बारे में, फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उससे हमको क्या बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है रिसर्च के लिए। ये आपकी डिफरेंट आपकी इम्पोर्टेंस होगी। देन देर इज अ टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, बॉडी के मूवमेंट के कुछ डिफरेंट टाइप्स है, ये आपको बुक में कई में बहुत ज्यादा लिखे हैं, कईयों में सिर्फ 4-5 लिखे हैं, जैसे फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, हाइपर एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, ठीक है? ये पढ़े आपने ध्रुव? फ्लेक्शन, एबडक्शन, रोटेशन? नो सर। ये कुछ एक बेटा बॉडी मूवमेंट्स हैं, ये आपको बायो मैकेनिक्स में है, जैसे सिंपल है, हमने क्या क्या, ये आर्म्स को ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है, ये फोल्ड किए, इसको हमने खोल दिया, इट इज एक्सटेंशन, दिस इज फ्लेक्शन। व्हेन द एंगल ऑफ योर टू बोन्स रिड्यूसेस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। और जब हम इसको ऐसे डाउनवर्ड करते हैं, दिस इज एक्सटेंशन, ये एंगल आपका इंक्रीज हो गया है। आपको एग्जाम में बेटा ऐसे डिफरेंट पिक्स आएगी, यू हैव टू आइडेंटिफाई एमसीक्यूज कि विच एक्शन, विच मूवमेंट इज दिस, ठीक है? फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन, सेम ये आपका लेग में हो गया, नीज को बेंड करोगे फ्लेक्शन, नीचे करोगे एक्सटेंशन। देन आपका एबडक्शन, एडक्शन, एड का सिंपल आपको ये याद रखना है, एड एड मीन्स कि आपने अपनी आर्म्स को बॉडी के साथ एड कर रहे हो। व्हेन यू कीप योर आर्म्स क्लोज टू योर बॉडी, दैट इज एड एडक्शन, जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं साइडवेज, दिस इज एबडक्शन। ये बेसिकली आपको ऐसे याद रहेगी, आपको पढ़ने की भी जरूरत, एड मीन्स कि बॉडी से क्लोज कर रहे, व्हेन योर आर्म्स कमिंग टुवर्ड्स योर बॉडी इट इज एड एडक्शन, जब अवे जाती है तो एबडक्शन, ठीक है? ऐसे ही आपका सरकमडक्शन, जब आप इसको आर्म्स को ऐसे घुमाते हो, दिस इज सरकमडक्शन, ठीक है? जैसे हम किसी चीज को पूरा घुमाते हैं, दैट इज रोटेशन, नेक रोटेशन जिसको हम बोलते हैं। देन देर इज ए वन
आपको किसी बुक में ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं विद एग्जांपल प्रोनेशन एंड सुपीनेशन। प्रोनेशन का मतलब क्या होता है, जब आप अपने बॉडी को अपने फेस को प्रोनेशन मींस की टुवार्ड्स ग्राउंड डाउनवर्ड, जब आपका फेस ग्राउंड की तरफ होता है, जब आप सीधे नीचे ग्राउंड पे लेट जाते हो और आपका फेस ग्राउंड की तरफ होगा डाउनवर्ड होगा, दैट इज प्रोनेशन। ठीक है, जैसे हम ये हैंड को बोलते हैं ये प्रोनेशन है, ये आप देख रहे हो प्रोनेशन हो गया है। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं सुपीनेशन, जब अपवर्ड हो गया। वही बॉडी आपकी अगर फेस डाउनवर्ड है तो प्रोनेशन है, अगर आपका फेस अपवर्ड हो गया देन इट इज कॉल्ड सुपीनेशन। ये आपको ऐसे एग्जाम में भी आ सकते हैं, ये पोजीशन है प्रोनेशन सुपीनेशन सुपीनेशन टुवर्ड्स अपवर्ड। ठीक है, ये आपको पिक्स आएगी डिफरेंट, उसमें आपको बताना होगा कि विच मूवमेंट इज दिस, देन इनवर्जन इवर्जन। जो आपका ये फुट है सपोज, ये आपका फुट है, जब आप इसको हील को अंदर की तरफ करते हो तो दैट इज इनवर्जन। ठीक है, इनसाइड, जब उसको आप बाहर की तरफ कर देते हो देन ई वर्जन आउटसाइड, ये आउटसाइड हो गया। यू हैव टू वॉक टोस पे, आप वॉक अपने फीट पे वॉक करते हैं, समटाइम आपको हम ग्राउंड में भी कराते थे कि यू हैव टू वॉक ऑन योर टोज ऑन योर हील्स, देन इनवर्जन इवर्जन। इनवर्जन मीन्स कि ऐसे इनसाइड वॉक करना ऐसे ऐसे अपने, ये इवर्जन हो गया। देन इसमें नेक्स्ट आता है बेटा डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन मीन्स कि अपने एंकल को नीचे को कर दिया और उसको ऊपर कर दिया तो प्लांटर फ्लेक्शन। ये सम ऑफ द मूवमेंट्स जो आपकी बॉडी पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसकी आपको बेटा पिक्स होगी डिफरेंट मूवमेंट्स की, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। आपकी बुक्स में भी दी है, किसी बुक में 4-5 भी दिए हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन एब्डक्शन। ठीक है, सम ऑफ बुक्स दे हैव ऑल दिस, जो मैंने आपको प्रोनेशन सुपीनेशन इनवर्जन इवर्जन सर्कमडक्शन रोटेशन ये सारे दिए हैं। ये टॉपिक रिलेटेड आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस हो गया। इसी में आपको नेक्स्ट बेटा एक टॉपिक है, दैट इज फ्रिक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, फ्रिक्शन का पहले मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन ऑपोजिट टू द मोशन। फ्रिक्शन मीन क्या है, इट इज अ ऑपोजिंग फोर्स। ठीक है, जो फोर्स को अपोज करती है, कोई भी फोर्स है उसको जो अपोज करता है दैट इज फ्रिक्शन। और ये उसकी इट वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। जो ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट ये वर्क करती है, इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, जो अपोज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को। तो इसमें सम ऑफ द टाइप्स आपको दी है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक डायनामिक। स्टैटिक मींस जो स्टेशनरी पोजीशन में आपके फ्रिक्शन होता है, जैसे कोई चीज स्टेशनरी है, सीधी एक जगह पड़ी है, उसको हम पुश करते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन। और एक डायनामिक जो मूवमेंट में होती है, जो मूव कर रही है, उसमें आपके टू टाइप्स की होती है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग मीन्स कि वन ऑब्जेक्ट इज रोल ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मूवमेंट हम किस में देखते हैं, रोलर स्केटिंग्स में। ठीक है, जहां सरफेस आपका रफ होगा स्मूथ होगा वो उस पर डिपेंड करता है। तो स्लाइडिंग में क्या होता है कि ये वो वन ऑब्जेक्ट इज स्लाइड कर जाता है ओवर द अदर। जैसे आपने स्लाइड, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका आइस स्केटिंग। ठीक है, आइस स्केटिंग में वो स्लाइड कर जाता है दूसरे के ऊपर, उसको उसके शार्प उसके नीचे के स्केट्स के शार्प एजेस होते हैं तभी वो उस पर स्केट करता है। बट इसका हमको मेन ये पता होना चाहिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स, क्या एडवांटेजेस होते हैं स्पोर्ट्स में। अगर फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, वो दोनों हमको पता होना चाहिए। सिंपल है, अगर फ्रिक्शन के हमको मेन क्या है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम कोई भी मूवमेंट करते हैं उसमें हमको ये हेल्प करता है फ्रिक्शन। इट विल हेल्प इन होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स। आप कोई भी
गेम के कोई भी इक्विपमेंट को पकड़ते हैं, ठीक है, उसको होल्ड करते हैं, उसमें फ्रिक्शन आपको हेल्प करता है, देन कैचिंग, ठीक है, किसी भी चीज को कैच करते हो आप, देन चेंज करते हो अपने डायरेक्शन को, आप किसी चीज को मूवमेंट को स्टॉप करते हो, कोई भी मूवमेंट गेम से, इट हेल्प इन जनरेटिंग हीट ऑल्सो, फ्रिक्शन, अगर आप ऐसे हीट करो, रब करो हैंड को, इट विल गिव यू हीट, ठीक है, तो हीट इट ऑल्सो हेल्प इन वॉकिंग रनिंग, सिंपल है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर बिल्कुल सरफेस आपका स्मूथ होगा, स्लिपरी होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप वॉक भी नहीं कर सकते हो, अगर आपका इक्विपमेंट में फ्रिक्शन नहीं होगा, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, वो स्लिप हो जाएगा, ठीक है, तो ये दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन आपको हेल्पफुल भी है तो इसके डिसएडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस में क्या है बेटा, मोर एनर्जी, मोर एफर्ट यू हैव टू गिव फॉर एनी एक्टिविटीज, आपको जब फ्रिक्शन जहां पे ज्यादा होगा, अगर आपको हम बोलते हैं यू हैव टू रन ऑन रोड, देन इट विल बी क्वाइट इजी, बट इफ यू आर रनिंग इन ए सैंड, ठीक है, अगर आप कहीं सैंड पे रनिंग करते हो, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, वहां पे रनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो, आपकी मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है, ये सारे आपके रिलेटेड है फ्रिक्शन से, ये आपका लास्ट चैप्टर है, इसका आपको 6 एंड 8 चैप्टर जो आपका फर्स्ट यूनिट में आएगा, नाउ टाइम इज ओवर।